नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11 IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में स्कूटी रैली और पिंक ड्रेस रैली निकाली जा चुकी है। इस अभियान का मुख्य मकसद है आजमगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। आजमगढ़ जिले में छठवें चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में जिला प्रशासन जिले में अधिक से अधिक मतदान कराना चाह रहा है। यही उद्देश्य को लेकर शनिवार को नगर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाल लोगों को जागरूक किया गया। इस रैली को ADM वित्त आजाद भगत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजमगढ़ जिले के ADM आजाद भगत सिंह का कहना है कि 25 मई अहम दिन है, यह बहुत ही जिम्मेदारी भरा दिन है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है इस दिन जरूर मतदान करें। उन्होंने ने बताया कि वोट जैसा कुछ नहीं और हम वोट डालने जरूर डालेंगे। इस विषय पर आधारित मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी जिसमें 2000 से अधिक स्कूली बच्चे सम्मिलित हुए। यह रैली जिले के कलेक्ट्रेट से निकलते हुए काली चौराहा दलाल घाट तकिया पांडे बाजार तिराहा जमा मस्जिद पुरानी सब्जी मंडी शंकर जी तिराहा बड़ा देव कोतवाली अग्रसेन चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पर ही समाप्त की जाएगी। इस मानव श्रृंखला रैली में सहभागिता करने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था जिन्होंने सहभागिता की। भारत माता की जय। देश चुनाव का पर्व, देश का घर। चुनाव का पर्व, देश का घर। देश का घर, 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 चुनाव का पर्व, देश का घर, चुनाव का पर्व। हम बोल
इससे बढ़िया एथोम ले लिए सही रहता है। आज ये मतदाता जागरूकता के अंतर्गत करीब विद्यालयों के बच्चे और समाजसेवी संगठनों के लोग, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े हुए लोगों के सहयोग लेकर एक रैली निकाली गई जिसे मतदाताओं को जागरूक किया जाए। और ये शहर पुराने शहर से होते हुए पूरा ये हम लोग यहाँ पर अभी वापस के जो हमारे मतदान का प्रतिशत कम है उसको मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो सके, 90% तक मतदान हो सके, 95% तक हो सके। जो लोग मतदान करने के लिए अनिच्छुक होते हैं उसको जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई ताकि लोग इसके कानून में जाएं कि छोटे छोटे बच्चों की अपील, आम जनता की अपील से वो मतदान स्थल तक आवें और अपना मतदान दें। ये उद्देश्य मूल रूप से है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, मतदान प्रतिशत कराने के लिए ये जागरूकता रैली निकाली गई। हाँ, कुछ हमारे सफाई कर्मियों को भी मैंने इसमें लगाया था, कुछ शासकीय कर्मचारी भी थे, स्कूल के अध्यापक भी थे, बच्चे भी थे, स्काउट के भी थे, समाज सेवी भी थे, सभी तबके के लोग थे ताकि सभी लोगों को सही मैसेज जा सके। आज जिला प्रशासन के सौजन्य से और बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक और अन्य जो कुछ सामाजिक संगठनों के सहयोग से हमने मतदाता जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाई जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी थी और सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और रैली काफ़ी सफल हुई। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और लोग घरों से बाहर निकल के वोट करें क्योंकि आजमगढ़ का वोटिंग परसेंटेज पिछले लोकसभा चुनाव में कम रहा था तो उसको बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य था। अनन्या प्रजापति, आप लोग यहाँ आएंगे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए, 100% वोट लेने के लिए। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से कहना चाहेंगे कि घरों से निकलें और ओढ़ दें। सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली निवासी एक व्यक्ति को उसके दुकान में घुसकर आधा दर्जन से अधिक मनबर लोगों ने शनिवार की सुबह मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने घटना के बाबत सिधारी थाने पर तहरीर दिया है। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। मूल रूप से राउतमू गांव निवासी संजय यादव सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ले में मुख्य मार्ग के किनारे अपना मकान बनाए हैं। इसी मकान में अगले हिस्से में वे दुकान भी खोल रखे हैं। सोमवार की सुबह आधा दर्जन भर मनबर उनके दुकान पर चर आए और गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट भी किया। मनबढ़ों की सारी कवायद CCTV में कैद है। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि मेरे मकान व दुकान के सामने दुर्गेश व राकेश फल का ठेला लगाते हैं। हर जोर घर के सामने रखे ईंट में से 2-4 ईंट ठेला को ओट लगाने के लिए ले जाते हैं। शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे भी वे ईंट उठा कर ले जाने लगे तो उन्हें मना कर दिया, जिस पर ठेला वालों से कहा सुनी हुई। इसके कुछ ही देर बाद आधा दर्जन भर लोग दुकान पर चढ़ आए और मारपीट किया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दिया। HMPS व GD ग्लोबल स्कूल में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कार्मिकों का चल रहा द्वितीय व अंतिम प्रशिक्षण शनिवार को पूरा हो गया। 5 दिनों में 4,185 पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। एक पोलिंग पार्टी में कुल 4 मतदान कार्मिक शामिल थे। प्रशिक्षण में पीठासीन मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय को मतदान से संबंधित जानकारी दी गई और सभी को उनकी जिम्मेदारी बताई गई, जिसमें मास्टर ट्रेनरों ने EVM को सील करने से लेकर VVPAT से कनेक्शन करने तक की जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने मतदान कार्मिकों को बताया कि मतदान से 90 मिनट पहले मॉक पोल कराएं। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का प्रभारी होगा। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में भी EVM और VVPAT के साथ अपनी डायरी जमा करेंगे। मतदान अधिकारी वोटिंग के दौरान मतदाताओं को तस्दीक करेंगे। द्वितीय, वोटरों की तर्जनी में अमित स्याही लगाएंगे। तृतीय मतदान अधिकारी EVM और VVPAT प्रभारी होंगे।
मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को मतदान के दौरान लगने वाले स्टेशनरी को उपलब्ध कराया गया है। अब पोलिंग पार्टी रवानगी के दौरान उन्हें ड्यूटी स्लिप और ईवीएम वीवीपैट दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी पोलिंग पार्टियों के पीओ को चुनाव सामग्री का थैला भी दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पोस्टल बैलेट से सर्विस कर्मचारियों ने मतदान किया। यहाँ प्रशिक्षण था, चुनाव संबंधी प्रशिक्षण था। प्रशिक्षण के उपरांत यहाँ मताधिकार करना है। मताधिकार करने के बाद हम लोग फिर अपनी ड्यूटी के लिए 25 तारीख को 24 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे और 25 को प्रशिक्षण कराएंगे। सरकार की जो योजना है कि मतदान प्रतिशत बढ़े और सबको मतदान करना है, इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अपना अपना वोट जरूर डालें, चाहे जिस परिस्थिति में हो। जी, मतदान करने के बाद इसलिए चुनाव से पहले वे वोट डालते हुए, आज आखिरी दिन भी है यहाँ पे पोस्टल बैलेट का, आज आखिरी दिन है, इसलिए वोट डाल के अब हम 24 तारीख को अपना बॉक्स लेंगे और 25 तारीख को मतदान कराएंगे। जी, कल मतदान नहीं दे पाए थे किसी कारणों से, इसलिए आज आए हैं ड्यूटी के बाद। जी, ये बहुत ही अच्छी योजना है कि आप जा रहे हैं वहाँ पे चुनाव कराने, तो आप वोट दे के जाएं, ऐसा ना हो कि उससे आप छूट जाएं, इसीलिए योजना अच्छी है। जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें हर व्यक्ति को अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। चुने हुए प्रतिनिधि ही देश की सरकार बनाते हैं और शासन व्यवस्था को संभालते हैं। चुनाव का पर्व हर 5 साल में एक बार आता है। इस चुनाव में हर व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, उस व्यक्ति को एक वोट की कीमत समझने के लिए देश और दुनिया में कई उदाहरण हैं। आपको याद होगा कि एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एक वोट से जीतकर ही हिटलर नाजी दल का मुखिया बना और बाद में जर्मनी का तानाशाह बन गया था। एक वोट की कीमत के ऐसे कई उदाहरण हैं। सिर्फ एक वोट की वजह से फ्रांस में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र का आगाज हुआ। एक एक वोट के इसी महत्व को एक एक मतदाता तक पहुंचाने के लिए ABC चैनल लगातार अपनी जागो मतदाता जागो मुहिम जारी रखे हुए है। आइए आपको भी सुनाते हैं शनिवार को हमारी इस मुहिम से जुड़े लोगों की अपील। एक वोट का बहुत ही बड़ा महत्व है। एक वोट से ही सरकार बनती और गिरती है, इसलिए हमारा पूरा विभाग एकदम तन मन से लगा हुआ था कि हर एक एक नागरिक को घर घर के हम लोग जाने का कार्यक्रम किए हैं और शहर में, पूरे शहर में भ्रमण किया गया है कि सबको जागरूक किया जाए, कोई भी एक वोट छूट ना जाए, सभी लोग अपने अपने मतदान का प्रयोग करें। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से, अपने वोट की कीमत समझिए और घर से एक दिन के लिए कष्ट करके बाहर निकलिए और मतदान करिए। मतदान जरूरी क्यों है? मतदान हमारा मूल अधिकार है, इसलिए मतदान करना बहुत ही जरूरी है। किन मुद्दे के आधार मतदान करते हैं? जनता विकास के मुद्दे खोजती है, रोजगार का मुद्दा खोजती है, देश हित का मुद्दा खोजती है, हमारा देश कैसे मजबूत रहे, आगे बढ़े, विश्व में अपना स्थान रखे, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, हम चारों तरफ से जो है निर्भीक रहें, हमारी सेनाएं बॉर्डर पर हमारी रक्षा करें, देश में जो है विश्व में हमारी देश की ख्याति बने, यही हम लोग चाहते हैं। व्यक्ति का ऊंचा विचार जो होता है, एक वोट होता है, वो एक व्यक्ति उस प्रत्याशी के विषय में, उस एक स्पेशल पार्टी के विषय में सोचता है कि हम कौन विकल्प हमारे में सबसे अच्छा है, हम किसको वोट करें, वो उसका अपना एक विचार है। जिस व्यक्ति का जो हमारे मुद्दे होंगे, हम उसी के आधार पर देंगे कि हमारा देश तरक्की कैसे करे, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो, हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी अच्छी हो, इसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। एक वोट उस व्यक्ति का विचार है और हर एक व्यक्ति को अपने विचार को प्रदर्शित करने का मौका है, और अगर वो अपने विचार को प्रदर्शित नहीं करेगा तो वो उससे वंचित रह जाएगा, क्योंकि एक एक विचार मन के ही, जिसके जब ज़्यादा विचार हो जाते हैं तो वो प्रत्याशी जीतते हैं।
आपका अधिकार है, सरकार चुनना आपका अधिकार है। आपके एक वोट से सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। इसलिए मतदान का प्रयोग हमेशा हर आदमी को करना चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, अपने विवेक से वोट दीजिए। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके बीच का होना चाहिए, जो आप जनता की समस्याओं को सुन सके, हर समय मौजूद रहे, जनता के बीच में रहे। चलो मतदान करने नहीं जाते, उसको क्या करना होता है? मतदान करना चाहिए। आपके एक मत का जो प्रयोग है वो ही सरकार को बनाता है, एक नेता चुनता है। आपके मताधिकार, अपने मताधिकार का प्रयोग आप स्वयं करें और अगल बगल के लोगों को जागरूक भी करें कि अपना मत दें, क्योंकि आपका अधिकार है। बहुत महत्व है, उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, सामाजिक स्तर बढ़ेगा और लोग भी मान सम्मान बढ़ेगा। चलो मतदान करने नहीं जाते, उनसे क्या करना चाहेंगे? नहीं, वो तो गलत करते हैं। मतदान तो आपका अधिकार है, चाहे पक्ष में करें या विरोध में करें, चाहे सरकार के पक्ष में करें या विरोध में करें, तभी तो पता चलेगा ना। अच्छी सरकार पाने के लिए मतदान करना जरूरी है? एकदम जरूरी है। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, हमारे हर काम में दुख सुख में शामिल होने वाला चाहिए, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। दलित नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज राम नारायण ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 मई 2015 की रात 14 वर्षीय पीड़िता घर वालों के साथ सोई हुई थी। तभी रात लगभग 11 बजे आरोपी प्रदीप प्रजापति पुत्र जगी पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर पीड़िता के घर वाले जाग गए। विरोध करने पर प्रदीप ने पीड़िता के पिता को जाति सूचक गाली देते हुए मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप प्रजापति को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान हो रहे आमजन की पीड़ा को देखकर प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा इससे थोड़ा राहत दिलाने के उद्देश्य से शीतल रूह अफजा शरबत की व्यवस्था बनाई गई, जिसे आज रोडवेज पर चलाया गया। सैकड़ों यात्रियों सहित रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों ने इसका आनंद उठाया तथा संगठन के कार्यों की सराहना की। संगठन के साथी इसे निरंतर ऐसे पब्लिक प्लेसों पर लगाने का प्रयास करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। संगठन के पदाधिकारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि प्रयास द्वारा गर्मी को देखते हुए संस्था द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आगे हम नगर के तमाम चट्टी चौराहों पर शरबत लगवाने का प्रयास करेंगे, जिससे गर्मी से थोड़ा निजात मिल सके। आज के इस अवसर पर शंभू दयाल सोनकर, विजय सिंह, आलोक लहरी, अंगद साहनी, इंजीनियर अमित सहित संगठन के तमाम साथी मौजूद रहे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि।
फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीधी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल थ्री व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.